उसको मुंह नोच के मारेंगे चपले चपले, कोई भी आगे गंदा गंदा लैंग्वेज बोलता है पार्टी लोग, इतना गंदा गंदा लैंग्वेज बोलता है कि हम अभी बखान नहीं कर सकते हैं। अमित शाह जी अब गृह मंत्री है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि गृह मंत्रालय आपके पास है, गृह युद्ध ना हो पाए इसकी, क्योंकि ये लहर जग चुकी है आपस में, जिसके साथ हम लोग रहते थे घर परिवार हो बाहर हो, आज स्थिति दयनीय होती जा रही है। सर मामला यही है कि सर आज हम लोग रोड पे आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं तो इन लोग को भी रोड पे ले आएंगे। सर जिस दिन लग जाएगा कि अपने जान पे खतरा है, उस दिन हम किसी का भी जान ले सकते हैं, और जान ले करके अगर बाहर में तो असुरक्षित है सर, मार के और जेल जाके बैठ जाएंगे, आराम से सुरक्षित रह जाएंगे। सहारा इंडिया जितना बड़ा नाम था उतना ही अब छोटा काम हो गया है, और यहाँ पर एक गुट सहारा इंडिया के कर्मचारी और जमाकर्ता जो थे, एक गुट यहाँ पर सुखदेव नगर थाना में पहुँचे हैं FIR करने के लिए। इनसे जानेंगे कि क्या क्या भी है, पूरा मामला बताइए पहले। तो मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, और विगत 22 साल से सहारा इंडिया में हम भी कार्यकर्ता हैं और जमाकर्ता भी हम सारे लोग। अभी हम लोग के साथ 2 साल से रांची में, झारखंड में खासकर 2 साल से भुगतान गरीबों का नहीं हो पा रहा है। और सबसे पहले एक चीज़ और बता दे, मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, है ना, तो पर भी मैंने कैसे भी कोई रोज़गार मेरे पास नहीं था, तो किसी का सहयोग लेकर 22 साल मैंने कैसे भी काम किया, बहुत तकलीफ़ के साथ, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन 22 साल के बाद अब उसी कस्टमर का भुगतान नहीं हो रहा है, इस कारण से अब हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। आज हम लोग सुखदेव नगर थाना में आए प्रशासन से गुहार करने के लिए, गरीबों का पैसा कम से कम जितने अधिकारियों ने सीनियरों ने हम लोग को बेवकूफ़ बनाकर झूठा प्रलोभन देकर कंपनी के तरफ से जितने लोग थे वो लोग हम लोग से काम करवाएं, और आज जमाकर्ता का पैसा नहीं मिल रहा, अब हम लोग के साथ उन लोगों ने छोड़ दिया है। वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने कमीशन का है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जिस दिन कंपनी भुगतान देगी उस दिन देगी। तो स्थिति हम लोग का बहुत बुरा होते चला जा रहा है, महिला पुरुष सारे लोग हैं, जमाकर्ता का भी और कार्यकर्ता का भी, सारे लोग तकलीफ में चल रहे हैं। अब हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया कि अब हम लोग को सरकार से गुहार तो करना ही है, और कर भी रहे हम लोग, लेकिन हम लोग आंदोलन का रास्ता अपनाए हैं, प्रशासन से भी और सरकार से भी, हेमंत सरकार जी हैं चाहे मोदी जी हैं अमित शाह जी हैं, इन लोग से एक ही बस करना है, खासकर अमित शाह जी से खासकर करना है, क्योंकि वो भारत के होम मिनिस्टर है, गृह मंत्रालय उनके पास में है, और स्थिति हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से है कि पूरे भारत में हर तीसरे घर में सहारा का एक जमाकर्ता है, मतलब कस्टमर है। तो अमित शाह जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, 70 से 80 करोड़ जनसंख्या पूरे भारत का जो सहारा इंडिया से पीड़ित है, कम से कम पूरे भारत में तीसरे घर में एक सहारा का जमाकर्ता है। अमित शाह जी अब गृह मंत्री है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि गृह मंत्रालय आपके पास है, गृह युद्ध ना हो पाए इसकी, क्योंकि ये लहर जग चुकी है आपस में, जिसके साथ हम लोग रहते थे घर परिवार हो बाहर हो, आज स्थिति दयनीय होती जा रही है, बकझक हो रहा है पैसे को लेके, मारपीट भी हो रहा है, धमकी भी मिलता है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है। इसलिए हम लोग उन लोग के ऊपर, जितने अधिकारी हैं जिन लोगों ने गलत काम करा है, उनके ऊपर FIR कर रहे हैं, और प्रशासन से एक ही गुहार है कि इन लोगों को जल्द से जल्द उचित कानूनी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर किया जाए। तो उनका तो गलती नहीं है, जो आपके पास आपको भरोसा करके जमा किए आपके पास पैसा, उनका तो गलती नहीं है, गलती है सहारा इंडिया वाला के कर्मचारी लोग का जी। तो आप उन लोग को भी बुलाना चाहेंगे अपने आंदोलन में? जी वेलकम है, स्वागत करते हैं उन लोग का तहे दिल से, लेकिन 11 तारीख को अनाउंसमेंट भी करवाए हैं, लेकिन वो लोग हम लोग के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया कंपनी के साथ में, जब उन लोग को एक पद दिया गया, मैनेजर गया किसी चीज़ का, RM हो SM हो जोनल चीफ हो, इन लोग एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है जिस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप लोगों को ये 400 BC का काम करवाना है लोगों से, और गरीब जनता का पैसा बटोर कर देना है, और जितना आप ऊपर भेजिएगा भुगतान करने के बाद जितना भेजिएगा उसका इतना परसेंटेज आपको अलाउंस और इंसेंटिव के रूप में मिलेगा, जो इन लोगों ने करोड़ों अरबे रुपए एक एक FC मैनेजर और एक एक अधिकारी ने कमाया है। सहारा में बच्चा लोग घर में एक छोटा बच्चा छोड़ के, एक छोटा बच्चा को पीठ में बांध के, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, सुबह को सुबह नहीं समझे, और सारा काम करके सहारा को जितना टारगेट हम लोग को देता था, ये टारगेट में इतना करोड़ लाना है, हम लोग 12 करोड़ रुपया जमा करके सहारा कंपनी को दिए। तो सहारा कंपनी से हम लोग यही है कि हम लोग लेडीज़ हैं, हम लोग कहाँ जाएँ, अभी तक हम लोग का कमीशन और पार्टी का पेमेंट
देना है उन लोग को सहारा। नरेंद्र मोदी से हम लोग बोलते हैं कि आज तक पैसा जो पेमेंट ये लोग नहीं दिए हैं, हम लोग को पेमेंट करवा देवे और हमारा जो भी पेमेंट है, हमारा खुद का पैसा 30 लाख मोटा मोटी है सर, और पार्टी लोग का तेमन 1.5 करोड़ से ऊपर पेमेंट है, सारा पार्टी का पेमेंट और सारा एजेंट जितना भी काम करते हैं सारा का पेमेंट, सारा का भुगतान करवा दे सहारा से। मैंने सहारा को बोलते हैं और नरेंद्र मोदी सर से जी से बोलते हैं कि वो पेमेंट हम लोग का करवा देवे, और आने वाला भविष्य में कोई भी नेटवर्किंग कंपनी में कोई भी काम ना करेगा और ना ही नेटवर्किंग कंपनी को चलने देंगे, कोई भी नेटवर्किंग कंपनी को चलने नहीं देंगे हम लोग। और कोई भी एजेंट, कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी कोई भी अगर लाएगा तो उसको मुँह नोच के मारेंगे चपले, कोई भी अगर कि समझा के बोलेगा कि काम करो तो काम नहीं करना है, कोई भी कंपनी में काम नहीं करना। सरकार अगर हम लोगों का अगर बहुत भुक्त भोनी हम लोग को करवा रहे हैं, सहारा को बोल के हम लोग का सारा का पेमेंट करवाएं, सारा पार्टी का पेमेंट करवा देवे लोग को दे दें। बताइए कि आपको धमकी उमकी भी मिलता है? हाँ, हमको तो एनी टाइम इतना गंदा लैंग्वेज बोलता है पार्टी लोग, इतना गंदा लैंग्वेज बोलता है कि हम अभी बखान नहीं कर सकते हैं। आज हमारा 23 साल कंपनी में हो गया, 23 साल का एक हम मुकाम बना लिए थे, एक हम बैंक वाली दीदी, बैंक वाली चाची, बैंक वाली मौसी, बैंक वाली मम्मी नानी दादी चाची सब कह के उदाहरण करते हैं। अभी बैंक वाली क्या, अभी इतना गंदा लैंग्वेज करके पार्टी लोग बोलते हैं कि हम बखान नहीं कर सकते हैं। हम अभी घर में ही रहते हैं और घर में ही चुपचाप रहते हैं, मेरे आदमी भी काम करने लायक नहीं है तो भी मजबूरन अभी किसी तरह से 4000 रुपया घर में आता है, उसी से 2 रूम हम रखे हैं, उसी अपना रूम को खाली कर दिए, एक रूम में रहते हैं, वही रूम का भाड़ा 4000 रुपया में घर का भरण पोषण किसी तरह से, और दाल नहीं है तो रोटी नहीं है तो सब्जी नहीं है करके घर चलाते हैं। हमारा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, समझे ना। इसी के लिए हम नरेंद्र मोदी सर से बोलते हैं कि हम लोग का पेमेंट करवा देवे, बस हम लोग का पेमेंट करवा दे, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हम लोग का पेमेंट करवा देवे। सर मामला यही है कि सर आज हम लोग रोड पे आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं तो इन लोग को भी रोड पे ले आएंगे, ठीक है ना, चाहे जैसे आना पड़े और चाहे जैसे लाना पड़े, इन लोग को भी रोड पे लाना है हर हाल में। आज देखिए सर, ये नवंबर दिसंबर का महीना 2017-18 में यही तीनों आरएम, गांधी जी का जो 3 बंदर हैं ना, रांची 1 के आरएम, रांची 2 के आरएम और हटिया के आरएम, ये लोग सुबह 4 बजे से रात का 11 बजे तक मार्केट विजिट करते थे बिजनेस के लिए, और आज स्थिति खराब हो गया तो इन लोग को डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर से इन लोग इलाज करा रहा है कि एक ठो को बोला है चुप रहने, एक ठो को बोला एकदम देखना नहीं है कहीं, और एक ठो को बोला कि कहीं सुनना नहीं है। ये गांधी जी का 3 बंदर बन करके अपने अपने घर में बैठे हुए हैं। अगर सर अगर इनको बीमारी है तो अपना पद से इस्तीफा दे के घर पर रेस्ट करें। धमकी भरा फोन आता है सर, तो धमकी से डरने वाला हम लोग नहीं है सर। फोन आता है सर, काहे नहीं आएगा, वो पैसा दिया है फोन करेगा, बताना पड़ता है कि सर पैसा तो आपका जमा है वहाँ पे। और सर जिस दिन लग जाएगा कि अपने जान पे खतरा है, तो उस दिन हम किसी का भी जान ले सकते हैं, और जान ले करके अगर बाहर में तो असुरक्षित है सर, मार के और जेल जाके बैठ जाएंगे आराम से, सुरक्षित रह जाएंगे वहाँ पे। धन्यवाद। हम कहना चाहेंगे मोदी जी से, यही कहना चाहेंगे कि आपके पास इतना सारा तंत्र है फिर भी आप चुप क्यों बैठे हुए हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 13 करोड़ जनता प्रभावित है, जो कि देखा जाए पूरा ओवरऑल 13 करोड़ तो ये जनता हुआ, उसके पीछे 5 परिवार है, 13×65 और 12 लाख कार्यकर्ता, 12 लाख कार्यकर्ता में 5 सबका परिवार है, तो 12×65 तो ओवरऑल देखा जाए तो 70 से 80 करोड़ जनता प्रभावित है। तो मोदी जी से मेरा यही कहना है कि आपके पास जितने सारे जांच की एजेंसियां हैं कहां सोई हुए हैं? आपने तो पहले भी कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको तनिक भी लाज शर्म है कि आप जनता के लिए इतने सारे भाषण करते हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ तो धरातल पर दिख नहीं रहा है। देश की आधी आबादी पीड़ित है, आप कहाँ सोए हुए हैं? आप जागे और ये गरीब जनता को पैसा वापस दिलाए। आप इतने पावरफुल हैं, जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि आगामी 2024 में अगर हम लोग का भुगतान नहीं होता है तो हम लोग बीजेपी सरकार को खूब जोर बहिष्कार करेंगे। सरकार के पास को लाने वाले भी हम ही लोग, बीजेपी सरकार को लाए भी हम इस वजह से कि हमारा जो सरकार आएगा तो हम लोगों को राहत मिलेगा, लेकिन कोई राहत नहीं अभी तक हम लोगों को मिला है। सरकार से मेरा एक ही मांग है कि आप जो 1.5 लाख करोड़ रुपया GST वसूल करते हैं
उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए हम लोग को राहत पैकेज के रूप में दीजिए और इस गरीब जनता का कल्याण कीजिए, नहीं तो आप कुर्सी छोड़िए। आगे की रणनीति हम लोग की यही है, आज हम लोग 17 FIR दर्ज करा रहे हैं, इससे भी अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हम लोग फिर वहाँ से 9 तारीख को जैसा धरना प्रदर्शन किए थे अपने अपने ब्रांच पर, एक दिन के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था। अब हम लोग 15 तारीख को खूब जोर लगा करके अपने जोन ऑफिस में ही धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम लोग जब तक वहाँ जागे नहीं तब तक हम लोग वहाँ से उठेंगे नहीं, या हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई हम लोग का प्रॉब्लम का हल नहीं मिलेगा कि हाँ इस तारीख से हम लोग का भुगतान चालू हो, तब तक हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन में रहेंगे। हाँ, दोनों चीज़ की धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ आए हैं उसके बाद यहाँ से FIR दर्ज कराने के लिए सुखदेव नगर थाना गए और हम सभी भाई लोग जो है FIR करा के आए हैं। देखिए, अगर 15 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हम लोग 17 के बाद से बैठ जाएंगे, 17-18 से मोटा मोटी ठीक है, और जब तक हम लोग का पेमेंट सुनिश्चित नहीं होगा तब तक जो है हम लोग बैठे हुए रहेंगे। हम लोग का यही उद्देश्य है कि किसी भी हाल में हम लोग को पेमेंट लेना है और लेना है, जिसके लिए हम लोग आन जल त्याग करके जो है बैठेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।